नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 2020 के एक और वीडियो में। मैं अनु पाठक आपके लिए फिर से लेके आया हूँ भाव वाला में, और ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत अच्छी इन्वेंट्री है। आज मेन चौक से, मेन भाव वाला चौक से केवल 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपके लिए केसरिया एनक्लब। यहाँ दोस्तों केसरिया एनक्लब भाव वाला में आपके लिए प्लॉटिंग आई है। बेस्ट चीज इसकी है ये, आप जब प्लॉट से खड़े होके नॉर्थ की तरफ में देखते हैं, जिधर मसूरी है उस साइड में देखते हैं, तो ये खूबसूरत हिल व्यू मिलता है। अच्छा, ये हिल व्यू उस सीनरी से कम नहीं है जो आप अपने घर की दीवारों पे कई बार लटकाते हैं। ये नेचुरल है गाइस, यहाँ का मजा ही कुछ और है। आसपास में पूरा ग्रीन व्यू, और सबसे अच्छी चीज मेन रोड। कनेक्टिविटी के लिए मेन रोड तो बहुत जरूरी है, तो मेन रोड पर लगी हुई गेटेड कॉलोनी केसरिया एनक्लब में आज आपके लिए मैं लाया हूं प्लॉट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो गाइस, ये है हमारी जमीन जिसमें आपके लिए केसरिया एनक्लब बनाने जा रहे हैं। दोस्तों ऐसे तो आप देहरादून के किसी भी एरिया में चले जाए, वो अपने आप में एक अलग खूबसूरती दिखाता है। इस जमीन के पास की खूबसूरती यह है कि यहां पर ग्रीन व्यू आपको बहुत देखने को मिलेगा। आसपास में पेड़ है, हरियाली है, साफ सड़कें, वातावरण काफी अच्छा, शुद्ध वातावरण है यहाँ का। सो बसावट देखें तो बसावट भी यहां पे ठीक ठाक है। आप मेन चौक से ज्यादा दूर नहीं है तो ऑफकोर्स आपको यहां पर घर भी बने हुए मिल जाएंगे। अभी मैं कॉलोनी में ही घूम रहा हूं, आपके लिए शूट कर रहा हूं, तो अब तो लाइक बनता है ना। एक इस लोकेशन को भाव वाला का एक और नाम दिया गया है, बेला वाला, जो कि इसका पुराना नाम है, और यहीं पे हम केसरिया एनक्लब आपके लिए बना रहे हैं। तो चलिए प्रॉपर्टी का प्लान भी आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका लेआउट कैसा रहेगा। ये है हमारी एंट्री, इस जगह पर हम लगाएंगे गेट, ठीक है जी। उसके बाद से आप 20 फीट रोड देख सकते हैं, 20 फीट रोड आके और यहाँ से टर्न होके सीधा एंड तक जाएगी। इसमें आपको प्लॉट नंबर 1, 2, 3 से लेकर प्लॉट नंबर 13 तक मिलेंगे, ठीक है। प्लॉट का साइज़ यहाँ पर 139, 122, 153, 162 रेंज में रखा गया है। साथ ही में एक बेस्ट प्लॉट है इसमें, प्लॉट नंबर 8। प्लॉट नंबर 8 का एरिया ज़्यादा है, 366। और इसमें ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि इस साइड में आपको फॉरेस्ट मिलता है, ओपन एरिया मिलता है। यहाँ से आप एंट्री बना सकते हैं और अपना कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से चाहें, चाहे वो ये वाले कॉर्नर को कवर करके या इस कॉर्नर को कवर करके, और आप ये पूरा एरिया यूज़ कर सकते हैं, ओपन एरिया, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपको लेआउट साफ दिख रहा होगा और सभी प्लॉटों के डायमेंशंस और उसके एरिया दिखाई देंगे। मोस्टली डेप यहाँ पर 41 की रखी गई है, 41, 42 और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग के। ये जो प्लॉट नंबर 3 से लेकर प्लॉट नंबर 7 और 8 है, ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग के हैं, और बाकी प्लॉट 9 से 13 ये प्लॉट साउथ वेस्ट फेसिंग के मिलेंगे। इस ज़मीन या लोकेशन के लिए मैं आपको जितना बोलूँ उतना कम है, जितनी वीडियो बनाऊँ उतनी कम है, बट वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा। रेट्स यहाँ पर 15,000 पर स्क्वायर यार्ड के, R3 लैंड है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। साइट विजिट करने के लिए आप प्लीज़ जल्दी कॉल करें और जल्दी साइट को विजिट करें, क्योंकि 13 प्लॉट है, 13 प्लॉट बस कुछ ही दिनों में सेल हो जाएंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।